मंगलम नमः श्री वर्धमानाय निर्दूतगलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की जय। आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर मुनि महाराज की जय। मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की जय। सब संतों की जय। या श्रीपादं तवेश श्रीयति सपदि सह श्रीपुरं संश्रेत स्वामिन् पार्श्व प्रभो तद्वचन प्रवचन वचनो दीप प्रदीप प्रभावये लब्ध्वा मार्गं निरस्ताखिल विपदमतो यत्तिधीसै सुदीभि वंद्यास्तोत्यो महांस्तं विभुरसि जगतामेक एवाप्तनाथ। अन्या अन्येनाप्ता व्योदाच्युतिरपि न तथा कोपेयं वेत्ति सम्यन्निर्णीति बाधा प्रमिति विरहिता कश्चिदेवास्ति वंद्या न संदोषा वृत्ति यत्कुचिदपि भजतो दष्टहानि प्रकर्षात् निःशेषं हेमनि यद्वन्मलमिति भवतो निष्कलंकत्व सिद्धि। सूक्ष्माद्यार्था समक्ष नमति विषयता कश्चिद वनलादी सत्वं निर्दूत कर्म क्षितिदर निवो दृष्ट निःशेष सत्वा न्यायावाद्यागमोरन्नसितं खलु भवता साहने कांत दृष्टि प्रत्यक्षाद्यायरवाद्या भवति न नियतै कांत युक्ते प्रभाड्यां तावत् प्रत्यक्षमेव प्रत्यति तदनेकांतवाद संप्रसिद्धं वाद प्रसिद्धं यदवा स्कंदस्य वर्णात् यवकर निश्चितैकात्मना स्यात् प्रतीति। अंता चित्तस्य सौख्याद्यनुमति चिदसंकीर्ण भावस्य दृष्टे सामान्यं वा विशेषो यदि नहीं घटते न्योन्य विश्लेष वृत्त्यां तदनेकांत आत्मकं यदसदनुनयं सर्वमर्थक क्रियाकृत प्रमिति प्रव्याप्त रूपं प्रस्फुट विषयाकार संवित्तिवद्वां अपिवावित सिद्धं त्रिकालत्रय समयगतानंत पर्याय पुष्यत् परिणामे तत्प्रतीतात्मनि हृदय नियतै कांतके अध्यक्ष सिद्धे सात्तादात्ममुपाश्रितै रजिगतानंतै भवेस्यद्भवत् भूतै सत्क्रम योग पद्य विधिवर यत्पर्ययैर्वा गुणै संकीर्णांग मद्रवद्रवति वा दृश्यत्यथो द्रव्य मेते तद्धर्मणि धर्मिता तदपरे श्वेवं भवेत् प्रक्रिया न सियत्युत्पत्तिषु ताद्भवति न सनवस्तास्नसूनु संपद्यते वा स्थास्यान्युत्पत्त्यस्य तेषा स्थितिरसकृदलं नञ्चयति स्थास्यतीत्थं नञ्चयत्युत्पत्त्यस्य ते तन्नसनमपि ततोत्पत्त्यस्य ते तथास्यति यन् नक्षयति उत्पत्तिरेवं त्रिविधिमिति भवेत्तत्त्वमर्हन्तवेष्टं तदतादरूपाय पदार्थाय स्वपरविधि दिशापेक्ष सर्वा करणाचीराद्यवाप्तिं विदधिये घटाद्यस्तु नैते पटाद्याय न च पौरस्य ते सच पश्चादभवति न च पुरा निर्व्यपेक्ष स्वभावा तदनेकाकारमेकं सदत सदमव्यतं तादृगेन्न तादृक् स्वाद्वादे सप्तभंगी नयजुषि विधि निर्धारणाभ्याम हि वस्त्वा रूढ़ सत्वे तरात्मक्रम नियम दशा सूक्ष्मते लक्ष्यते तीर्थ क्रियाकृत स्वर्णादे कथंचित सतीये भवति
सत्स्वरूप अंतराप्ति प्राय पूर्वोत्तर कृत्य गमन जनन द्रव्य युक्ति युक्तम ही वस्तु साधस्ती सुचतुष्टयादितरता सान्नास्ति पेक्षा क्रमान् तत्स्यादस्ति च नास्ति चेति युगपत् सादव साद युगपत् साद्यवक्तव्यता तद्वत्स्यात् पृथगस्ति नास्ति युगपत् स्यादस्ति नास्त्यायिते वक्तव्ये गुण मुख्य भावनीयता स्यात् सत्त्वभंगी विधि साद्वादास परावतार विषये नो दीप्त सत्त्वे तरा द्याकाराद्यन अनंत धर्म निलय शुच्चै सतो धर्मिणा सम्यन्याय बलात् समर्थ वदनम या सप्तभंगी नयापेक्षा प्रश्न वसाद विदीरित विधि तर्कते रेकत्र निर्वादता सम्यन्याय मतोदयेन सुनयैस् तस्यैक देशैरथो निक्षेपाश्च तदर्पणार्पण परै व्यक्तिगत प्राभव निःशेषावर्णच्छय क्षणक भवत् क्षण भवत सर्वार्थ संपित विभा बाजानात जिनत्वयाद्य वसतिया सात्वं समाश्राय से जीवा कर्मणि भावा स्वमसव तत्फल तत् स्वमतस्तत्फले पुण्य पापे सौख्यम दुख्यम तथा दृग स्वधिगम चरिता न्यागम शब्द वार्धयी हे आदेय प्रमेय प्रमितिरधिकृता काल देशादि मोक्षा सर्वं सिद्ध्यै तवैव प्रभति भगवन् शासने तो भजाम देवश्रीपुरपार्श्वनाथ भवनात् दीसार्च पादाम्बुजो प्रत्यस्ता किल कर्म जात विपुल ज्ञान प्रवाह भासुरो श्रेयो मार्ग निदर्शने ही भवता नान्यो विनास्ति क्षमा तस्माद् बंद पदत्वमेव महिताम् निःशेषतात्वार्थवेद देवा श्रीमान् नसो न शेषस् त्रिदश परिवृणा प्रार्च्य पादारविन्दो वायन्तर्विग्रहादि प्रभो वदति सयो धर्मतीर्थस्नाथां एतदवास्ति मायाविषु सुरभिषु ख्यातवदादिकेषु द्वेषाद्यावेशावद्वत्सु प्रतिहत विषयान्यो निबाताथ वाक्षु तदन्येऽध्यक्षादे प्रतिहत वचो योक्ति विषया विलुप्ता बालोकाव्यपलन संबंध मनसा भजन्ते नाप्तत्वं तदीय विदिता वञ्चन कीर्ति विसंवादास्तेषां प्रभवति तदार्था परिगते नात्यक्षे जेमि निर्वा श्रुति समय वाला सम्यगर्ताभिबोधात् नैतद्रक्षस दोषावरण विगमनाभावतोतीन्द्रियर्थे ज्ञानं श्रुत्या सदार्थावगतिरथ तथा सत्येतेत्यदोषो न प्रामाण्यं सुतोष्य किल घटवदचेतनता सिद्धमेतत् आप्तोक्तं चेत् प्रमाणं व्यपनतु तदर्थावदान्ना साप्तान्नुक्ते स्याद्वक्तु दोषो यदि तदापगमनैव मित्यप्रतीति कवैवं सिद्धेद विभागो व्युपगमै पौर्षेत्त्वमन्यत् वासुस्तं नैव कर्तृ स्मरण विलयान्नै नेति स नाप्तत्त्वमन्यत् सुख दुखादि विचित्र भाव नियते नैकत्व से नैका स्वभावेश्वरा प्रभवो नैव भवो न कारण लवात्
कार्यस्नानाकृति यद्बीजाङ्कुरवत्तता परिणतेर्नार्तक्रिया संभवा स्वभावावस्थित देशकालिक विदा भाजाम सकर्ता कथम। इच्छा वा नियते तरा न लभते संबंधमी सेन तत् कर्म कर्म प्राभवता सुखादि भवा पर्याप्त मय तेन ही वो वेत्ता कर्म मयी वृताम सकल विन नानादि से दस्ततो यत्कानाद हताक्ष पाद गदितम तत्स्यात् कथम श्रेयसे। यत् सर्वं क्षणिकं यदाक्षति पृथक् कालक्षणानां यथा कार्यं कारणमित्यतरत्चिरतरा तीतेषु वा वासना तच्चेवेच्छिति तच्चे क्वच्छिति कर्म कर्तृभोक्तृरचना सम्यक्तसंज्ञादिकं जल्पन सिद्धपदं विदु विशुद्ध दिशना शुद्धो दिना स्यात् कुता। यदि यम सर्वत्र सर्वं प्रकृति रविकृति सप्त तस्या विकाराय महाद्याद्य षोडशोच्चै गणिति पुरुष तद्विकृत्य प्रयुक्तां सौमन्यो न प्रभुति प्रभुति क्रममखिल कलावंदहीनस्य जन्तो विलपन मुक्ति कुता स्यात् सचपल कलो धीमतां देयभावान्। प्रतिभासे प्रतिभासितार्थ विषयम् दृश्यं प्रपंचे सती प्रतिबिंबादि तथा सदैव नहि नेश पर्याय वस्तु स्थिति ननु कस्यादि गतिं नृणद्धि विभुने सिद्धां क्रियाकारक प्रकृत्यभ्युज्यति साध्य साधन गतिर् वा ब्रह्म कथा कथम वासुते। यदेकं वाद्याक्षे मितिरिति च निर्वाच्यमखिलं तथा तत्त्वं चोपलितमिति विचारं न सहते प्रमाणादन्यस्मात् प्रतितिदवचनात् युक्तिभावजनात् विना नैतत् सिद्धि विधि सिद्धिर्विधि नियमयो रार्थ नियते। भावो भावादभावा समय नियमता सद्विवाद असद्वा ग्रायोक्तैर्द्वैतमुद्यत् गुणगुणि विवर्ते रोदतो द्वैतबुद्धि नित्यं पूर्वापरान्तात् क्षणिकमनुमितोऽहि रेक्यमन्यत्ववृत्ते नानत्वं वृत्तिदोषान् भवति भगवन् स्यादनेकान्त सिद्धि मन्दाक्रान्त छन्द में एषोच्चैर् वाक् तव शिवपदा वाप्तिनिःश्रेणी भूता धीमद्धेया जगति जनतानंद संदान धीरा अस्माद्धात्री प्रभृति वचना करणा कर्णना करणा जात कंपा शेष प्राणी प्रणियन विधौ जायते या शरण्या एषोच्चैर्वाक् तव तव सेवपदाप्ति निःश्रेणी भूता धीमद्धेया जगति जनतानंद संदान धीरा अस्माद्धात्री प्रवृति
बचना करना करणनाज जात कंपा असे सब प्राणी प्रणयन विधौ जायते या शरण्या एसो चैर्वाक तव से उपदाप्ति निश्रेणी भूता धीमदे जगत जनता नंद सांदान धीरा। क्या बात, बहुत सुंदर। अस्मात् धातृ प्रवृति वचना कर्णना जात कंपा शेष प्राणी प्रणयन विदौ जायते या शरण्या। देखिए, ये हमारा 26वां काव्य है और जब हमारे 26 काव्य पूर्ण हो जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ शेष 4 बचते हैं और इन 30 काव्यों के माध्यम से आचार्य विद्यानंदी जी ने सिरिपुर पार्श्वनाथ भगवान का स्तवन किया। अपभ्रंश भाषा में सिरिपुर का सिरपुर हो जाता है और यहाँ पर सिरपुर का अर्थ होता है सिरिपुर। सिरिपुर माने श्री माने मोक्ष, पुर मोक्ष चले गए, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान का यहाँ पर स्तवन किया जाता है। तो कहते हैं ऐसी उच्चई वाक्य, इस उच्च वाक्य के द्वारा क्या होता है, हे पार्श्वनाथ भगवान आपकी यह उन्नत केवल अनेकांतमय उच्च जो वाणी देशना है उच्च ही वाक्य, तो क्या करने वाली है, शिव पदाप्ति निश्रेणी भूता मोक्ष को देने वाली है सीढ़ी के समान है। निश्रेणी, श्रेणी बोलते ना, निश्रेणी भूता श्रेणी के समान है, अर्थात मुमुक्षु जीवों को भव्य जीवों को ये आपकी देशना नसेनी जैसी बन जाती है कि ये नसेनी यहां से लेकर सीधे मोक्ष तक लग जाती है और इस नसेनी पर चढ़ करके ही तो कहते हैं क्या होता है, धीमा धेया जगत जनता नंद सानंद श्रेय और उपदेश पर चल के मोक्ष प्राप्त। इसलिए विद्वानों के द्वारा ध्येय ध्यान करने योग और सर्वलोक में समान आनंद प्रदान करने वाली ये वाणी है आपकी। ये धात्री ब्रह्मा जो है ना, तो अस्मात् धात्री प्रवृत्ति, इसलिए धात्री यानि विष्णु ब्रह्मा आदि जो हैं वो एकांत के उपदेश के श्रवण से कंप को अर्थात संसार भ्रमण को प्राप्त हुए समस्त अशेष प्राणी प्रणयन समस्त प्राणियों के लिए विदौ जायते या शरण्या। अब उनके विपरीत मार्गी वाले जीवों के लिए शरण प्रदान करती है जो ब्रह्मा आदि उपदेशों के सुनते रहते हैं, उनसे कल्याण न होकर अकल्याण ही बड़ा होता है। आपकी ये वाणी जायते या शरण्या जयवंत हो जो कल्याण भरी सदैव वर्तमान में है। अब देखिए यहां पर देव का स्वरूप बताने के बाद उस वाणी की बात करते हैं जिस वाणी के बारे में भक्तामर स्तोत्र में लिखा गया है, स्वर्गापुवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठा सद्धर्म तत्व कत नहीं
के पटोस्ते लो क्या है दिव्याधन भवती ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणई प्रयोच। क्या कहते हैं कि ये भगवान आपकी जो वाणी है वो स्वर्ग और अपवार का माने मोक्ष, और इन्होंने सीधा कहा कि आपकी जो वाणी है ये उच्च है और ये उच्च वाणी सीधी जीवों के लिए मोक्ष पर नसेनी के समान काम करती है। मोक्ष जाने के लिए नसेनी जैसा अगर कोई काम करती है तो वो जिनवाणी है। और लोग इसलिए उन्होंने कहा हे भगवान आपके चरण और वचन का जो आश्रय लेता है, दो चीजें कहीं। परसों हमारे जैन शांत जी आए, उन्होंने जब इसका अनुवाद पढ़ा और उन्होंने पढ़ा वचन और चरण और वचन, तो वो थोड़े से बोले क्या इसका मतलब। हमने कहा दो चीजें होती हैं, आदमी गुरुओं के चरण छूते हैं और ये बड़ा लफड़ा है, कोरोना फैल रहा है, चरण छूने के लिए सरल दौड़ रहे लोग, क्या कर रहे चरण छूने के लिए। लेकिन आचार्य श्री ने एक सूत्र दिया, चरण नहीं आचरण छू। और यहां पर विद्यानंद जी कहते हैं चरण और वचन वो वाणी क्या कह रहे, भगवान को तो सब मानते हैं लेकिन भगवान की कोई नहीं मानता। भगवान ने जो कहा है, भगवान ने जो बताया है, अगर जिनवाणी का आपने आश्रय नहीं लिया, जिनवाणी की शरण नहीं, क्योंकि कई लोग कहते हैं हमारे तो आगम विद्यासागर जी महाराज जी हैं। मैं उनसे कहता हूं विद्यासागर जी परम गुरु हो सकते हैं पर आगम नहीं हो सकते हैं। नहीं समझे, आगम में और गुरु में अंतर है, क्योंकि अप दीपो भव, आत्मा ही दीपक होती है और सुरत का दीपक होता है, ये सुरत का दीपक अंदर और बाहर दोनों तरफ प्रकाश करता है, और सुरत का महत्व अलग होता है, गुरु का महत्व अलग होता है। इसलिए गुरु को आगम नहीं कह सकते और आगम को गुरु नहीं कह सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग शास्त्र पढ़ने बैठ गए और शास्त्र पढ़ते पढ़ते उन्होंने कह दिया हम किसी महाराज जी के पास नहीं जाते अब, क्योंकि मेरे पास तो अब स्वाध्याय में बहुत मन लगता है। क्या बोलते हैं, हमारा मन काय में लगता है, स्वाध्याय में लगता है, इसलिए महाराज जी हम टाइम नहीं दे पाते, हम अपना स्वाध्याय कर रहे हैं अभी। लेकिन स्वाध्याय तुम खुद अपना करोगे, कोई दिक्कत की बात तो सबसे बड़ी ये होगी कि जो अपना अपना स्वाध्याय करने लगते हैं वे लोग इस बात के लिए भूल जाते हैं कि स्वरूप क्या है वस्तु का, तो प्राय स्वच्छंदी हो जाते हैं। वो गुरु सानिध्य में बैठ करके जो स्वाध्याय किया जाता फंडामेंटल बेसिक फाउंडेशन चलता ना, अब चलता कि नहीं चलता, अभी भी चालू है फाउंडेशन, फाउंडेशन कोर्स, फाउंडेशन कोर्स जो होता है जब अपन पूरा कर लेते हैं, फाउंडेशन पूरा कर लेते हैं तो एक ध्यान रखना फिर भटकते नहीं है। इसी तरीके से गुरुओं के सानिध्य में बैठ करके सदगुरुओं की वाणी की सुन करके जब हम अपने तत्व का निर्णय करते हैं तो भटकते नहीं है। एक हमारी सबसे बड़ी बात होती है कि गुरुओं के सानिध्य में बैठ करके जब स्वाध्याय करते हैं तो उस समय हमारे अंदर विशुद्धि बढ़ती है, संवेग भाव बढ़ता है, और जहां सिर्फ हम शास्त्र के लिए ही पढ़ते रहते हैं वहां पर संवेग भाव नहीं बढ़ता है। कारण संवेग क्या होता है, अविक्षण ज्ञान उपयोग संवेग शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर वैयावृत्तकरण मरहदाचारी बहुशत प्रवचन भक्ति रावसका परिहारण मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरत्वस। ये कौन से ग्रंथ का सूत्र है, तत्व सूत्र, कौन से अध्याय का है, हाँ मौसी बताओ कौन से अध्याय का है, छठवें अध्याय का।
कौन सा सूत्र है? तीर्थंकर प्रकृति के आश्रव बंध के कारण दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील वृत्तेषु बनति चारो वीक्षण ज्ञान उपयोग संवेग शक्ति तस्त्याग तपसी साधु समाधिर मैया वृत्तकरण महताचारी बहुसृत प्रवचन भक्ति रावसका परिहारण मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्वमिति तीर्थकरस्तस्य। ज्ञान अभ्यास करे मन माही ताके मोह महातम नाही, जो संवेग भाव तो वो कहते हैं जो संवेग भाव का विस्तार करता है। संवेग किसे कहते हैं? संसार शरीर और भोगों से निवृत्ति होने का नाम संवेग है। हमने सारे शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन शास्त्र पढ़ने के बाद यदि संसार शरीर और पांच इंद्रिय के विषय भोगों से हमारी वृत्ति नहीं बन पाई तो हमारा शास्त्र पढ़ना व्यर्थ हो जाता है। क्या हो जाता है? शास्त्र पढ़ना व्यर्थ हो जाता है। इसलिए एक ध्यान रखना, ज्ञान का अभ्यास भी करना है साथ में संवेग, और यदि संवेग लाना है तो जिन साधुओं की संगति में बैठ करके आप स्वाध्याय करेंगे तो वो साधुओं की संगति में बैठकर स्वाध्याय करने से आपके अंदर विशुद्धि परिणाम आएगा। और विशुद्धि किसे कहते हैं? क्योंकि पत्थर के ऊपर अगर बीज डाल दिया जाए और पानी भी खूब दिया जाए, खाद भी खूब दिया जाए, लेकिन पत्थर पर अंकुरण नहीं हो सकता। जिस तरीके से पत्थर पर अंकुरण नहीं हो सकता है, ठीक उसी प्रकार से जो सिर्फ गुरु से विहीन होकर के स्वाध्याय करते हैं उनका ज्ञान भी बढ़ जाता है, तर्क शक्ति बढ़ जाती है, दूसरों को हराने की शक्ति भी उनके अंदर आ जाती है, लेकिन अगर नहीं आता है तो वैराग्य नहीं आता है। इसलिए विद्वान बनने के बाद भी वैरागी नहीं हो सकते। ये विद्वान एक थे आचार्य ज्ञान सागर जी, जिनका भूरा मल जी नाम था, जिन्होंने जयोदय महाकाव्य, सुदर्शनोदय महाकाव्य, दयोदय, विवेकोदय और कई ग्रंथ लिख दिए उन्होंने। कितने लिख दिए? कई ग्रंथ लिखे ब्रह्मचारी अवस्था में। इसके बाद वैराग्य लेकर के मुनि बन गए, मुनि बनने के बाद आचार्य बने और विद्यासागर महाराज जी को जिन्होंने दीक्षा भी दे दी। ऐसे ज्ञानी विद्वान हो करके भी वैराग्य की ओर बढ़े तो विद्वानों में बड़ी खलबली मच गई। किस में खलबली मच गई? विद्वानों में। विद्वानों में क्यों खलबली मच गई? तो कई लोग एक बात कहा करते थे, अरे इससे क्या होता है, कुछ नहीं होता है भैया, अपनी आत्मा की कल्याण करो। लेकिन आत्मा का कल्याण कैसे होगा? तो इसके लिए आचार्यों ने कह दिया कि ज्ञान अभ्यास करे मनमाही ताके मोह महातम नाही, जो संवेग भाव विस्तारे स्वर्ग मुकत आप निहारे। स्वर्ग और मोक्ष जब तक आपके अंकुरण नहीं होगा तो बीज का कोई, और अंकुरण हो जाए और उसके लिए अगर नीचे की जमीन नहीं मिले तो क्या होगा? कभी कभी पानी नहीं गिरता है, बोनी हो जाती है और पानी नहीं गिरता तो परिणाम क्या आता सामने? परिणाम सामने ही आ जाता है कि बोनी तो हो जाती है और पानी गिरता नहीं है, अंकुर निकल आते हैं और धूप तेज निकलने लगती है तो लोग एक गाना गाने लगते हैं। तो गाना कौन सा गाने लगते हैं? आसमान में उड़ते बादल आ आ आ, धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। क्या
धूप में जलता, जब धूप में खेत जल रहा हो तो उस समय सूखा पड़ा हो तो उस समय लोग कहते हैं कि पानी गिर जाए, क्या हो जाए, पानी गिर जाए, और पानी गिरने के साथ साथ क्या हो जाए, छाया भी ना पड़े आया जाए और खेत नहीं जले। तो ऐसी स्थिति जब बनती है तो इस स्थिति को अपन ये कह सकते हैं कि अंकुरण होने के बाद छाया भी जरूरी होती है, धूप भी जरूरी होती है। गुरु छाया में जो रहते हैं, गुरु छाया में जो रहते हैं और गुरु की शरण में जो चले जाते हैं, उनका स्वाध्याय बहुत अच्छा सार्थक हो जाता है। और यदि गुरु की शरण में जाने के बाद यदि सार्थ आपकी क्या नहीं हुई, अगर आपके अंदर छाया नहीं आई, क्या नहीं आई, छाया नहीं मिली, तो अंकुरण तो हो जाएगा पर वो सूख जाएगा। इसी तरीके से मेरे प्यारे बंधुओं, हम गुरुओं की शरण में जाते हैं और गुरु की शरण में जाकर के आत्महित की बात सोच लेते हैं। जब हम आत्महित की बात सोच लेते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन सफल बन जाता है। तो जीवन सफल बनाने के लिए अपने लिए एक बात तय करना है कि जो भगवान की देशना है, दिव्य देशना, उस दिव्य देशना का उपयोग करो। पक्षपात जब तक रहता है जब तक बीतरागी संतों की शरण नहीं मिलती है। जब बीतराग संतों की शरण में चले जाते हैं तो पक्षपात मिट जाता है। तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है वर्तमान में कि संतों में भी पक्षपात आ जाता है, 20 पंथ का, 13 पंथ का, 20 पंथ 13 पंथ, इनमें उलझे हैं संत। इसमें उलझे हैं, उलझे हैं श्रावक संत। अब 20 पंथ 13 पंथ में इसमें उलझ के रह जाते हैं। साधु के अभिषेक कराना कोर्स में नहीं है, साधु के कोर्स में नहीं है, कोर्स में किसके है, श्रावक के। तो हम लोग अभिषेक किससे करते हैं, महाराज जी आते हैं और कहते हैं आज पंचामृत अभिषेक होगा, महाराज जी कहते हैं यहाँ पर ये होगा। महाराज जी के काम नहीं है, महाराज जी के काम है ज्ञान ध्यान में तप में लीन रहना, जी काम नहीं है। लेकिन जब कभी ऐसे मौके आते हैं कि जब हमारी संस्कृति पर आक्रमण होने लगता है, जब हमारी पद्धति को कोई बदलने का प्रयास करने लगता है, तो समय संत को भी एक बार अपनी उठकर के तैयार होना पड़ता है इस संस्कृति की रक्षा। क्योंकि किसी ने कहा भी है, किसी ने सिद्धांत अपलापा, सिद्धांत का जब अपलाप होने लगे और इसके बाद क्रिया ध्वंस से सिद्धांत अपलापे, क्रिया का ध्वंस हो सिद्धांत का अपलोप हो, तो अपृष्टैर अपि वक्तव्या, कोई नहीं भी पूछे तो भी हमें बताना चाहिए। ये प्रतीक्षा नहीं करेंगे उस समय कि कोई हमसे पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, नहीं भी पूछ रहा है तो इन जिनेंद्र भगवान की वाणी के जो वचन हैं, पार्श्वनाथ भगवान के जो वचन हैं, वो सीधी श्रेणी लगा देते हैं। इसलिए विद्वान लोग उनके वचनों की शरण लेते हैं और मूर्ख लोग सिर्फ चरण में लगे रहते हैं। और इनसे ज्यादा बड़े मूर्ख होते हैं कि वो भक्तों के भक्त बन जाते हैं। किसके भक्त बन जाते हैं, भक्तों के भक्त, गुणों के भक्त नहीं बन पाते हैं। आवश्यकता गुणों की भक्ति करने की है। तो कई लोग कहते हैं वे भक्त भी तो सम्यक दृष्टि हैं, तो जैन दर्शन में सम्यक दृष्टि की पूजन नहीं होती है, संयम की पूजन होती है। और जब संयम की पूजन करते हैं, राजेश जी इधर आ जाओ, तो जब संयम की पूजन करते हैं तो संयम की पूजन करने के बाद हमारी संयम की स्थिति बहुत अच्छी बन जाती है। तो निश्चित तौर पर हमारा संयम हमारे लिए क्या बन जाता है, सार्थक हो जाता है। तो इसलिए चरण छुओ आचरण भी छुआ।
आके उनके वचन सुनो। जब तक आप पार्श्वनाथ भगवान के वचन नहीं सुनेंगे, क्या वचन उन्होंने बोले, द्रव्य गुण और पर्याय की सिद्धि जो उन्होंने की है, अनेकांतवाद की सिद्धि की है, शादवाद को बताया है, सत असत एक अनेक भेद अभेद नित्य अनित्य आत्मक जो वस्तु तत्व है उस वस्तु तत्व को बताया, अवक्तव्य और वक्तव्य वस्तु तत्व को बताया है। स्वरूप संबोधन जो हम आपके सामने आगे लाने वाले ग्रंथ है उसमें आत्मा के लिए यही बताया गया है कि आत्मा चेतन है और प्रमेय आदि गुणों की अपेक्षा अचेतन है, आत्मा ज्ञान आदि आत्मा से भिन्न है और अभिन्न भी है। किस अपेक्षा से क्या है, ये स्वरूप का 25 श्लोकों के माध्यम से जो स्वरूप संबोधन हमें बताया गया, उस स्वरूप संबोधन के लिए जब आप सुनेंगे तब आपको लगेगा कि मेरी आत्मा का स्वरूप क्या है। आत्मा आत्मा तो सब कह देते हैं, क्या कह देते हैं सी के जैन साहब, आत्मा आत्मा के सिवा मुझे कोई स्वीकार नहीं है। आप सनावत गए होंगे तो सनावत में बहुत मंदिर हैं, नहीं है समझे, वहाँ सब प्रकार के पंथ हैं, वहाँ अपन को डिसाइड करना पड़ता कि मोक्ष पंथ कौन सा है, तो सारे पंथों को भूल करके मोक्ष पंथ वीतरागी पंथ में जा करके लग जाते हैं तो आत्मा के कल्याण का मार्ग मिलता है। इसलिए अपन ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि पार्श्वनाथ भगवान के वचन को ही हम सबसे अच्छा मानते हैं। 26वें काव्य का अनुवाद किया गया है, उसे आप लोग सुने। अनेकांत मैं पार्श्व देश न उच्च मोक्ष पद सीढ़ी सम, विद्वानों को ध्येय रूप है भव्य जनों को पीढ़ी सम, पीढ़ी धन एकांती जन उपदेशों से बढ़ता है संसार भ्रमण, सकल जीव हित आनंदकारी बचनामृत ये महाश्रमण, हित पथ दाता आश्रय दाता पार्श्वनाथ जयवंत रहे, पाप मिटे सब कर्म कटे मम यही याचना संत कहे, यही याचना संत कहे। कल 27वां काव्य होगा और 27वें काव्य को आप लोगों के लिए बहुत अच्छी तरीके से समझना है क्योंकि इसमें बहुत अच्छा विषय है। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लो।